मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये एक हमारी फेटर्निटी है एक्ट्रेस की और जो हमारी एंटरटेनमेंट फेटर्निटी है, हमारा जो टाइप बनता है हमारी ऑडियंस के लिए, हमने वो कोशिश की है, ये हमारे एक कंट्रीब्यूशन है। तो हमारा सादर प्रणाम। अकाल है कि हम देखिए बहुत ही साधारण सी गृहिणी हैं, बहुत ज्यादा हमको कभी समझ नहीं आता है, लेकिन हम जो है ये ट्रैफिक पुलिस का, यूपी पुलिस का बहुत ही सम्मान करते हैं, और ये जो मुहिम शुरू किए हैं इससे जुड़कर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो लल्लू के भैया को बोले रहे एक अच्छा बनियान छोड़ कर ट्रैफिक पुलिस बन जाओ, इतना अच्छा भेज रहे हैं। पुलिस सारा दिन धूप में खड़ी करे मारो, आपको बहुत अच्छे लगेंगे आप। हम तो भगवती जी के लिए ट्रैफिक भी लिखे हैं, वो आप लोग एपिसोड में देखिए, हम ट्रैफिक हवलदार पे एक आरती बोले इनके लिए। और मेरा ट्रैफिक पुलिस बनने का रीजन भी यही है, ये कहती है कि मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले बड़े अच्छे लगते हैं, तो जितने राम मिश्रा ट्रैफिक पुलिस वाला बने। देखिए ये तो हो गई अंगूनी भाभी की बात, जहाँ तक हम लोग यहाँ पर जो है तो इस मुहिम से जुड़कर बहुत ही खुशी और बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और अगर हम थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर पाए इस अवेयरनेस के लिए लोगों को जागरूक करने में तो बहुत बहुत खुशी होगी। जैसा कि विजय कुमार जी ने कहा कि सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित जो व्यवस्था है उसको बनाने के लिए हर एक व्यक्ति को जागरूक होना बहुत जरूरी है, तो आप लोग प्लीज प्लीज इस सड़क सुरक्षा मंथ जो महीना है, उस सिर्फ वो एक महीना नहीं पूरे साल जो है आप उसका पालन करें, और बस लाहा मंत्र में यही बोलेंगे थांको और मंत्रवाद सुनिए और अच्छे से सारे जो नियम है उनको पालन कीजिए, काहे की भाभी जी घर पर है और हमारा एपिसोड देखिए 10:30 बजे। सही है, कला एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत अगर हम कोई भी बात कहें या कहीं जाए वो जनमानस के पूरे जहन में बहुत गहराई से उतरती है, चाहे वो हम हो या बच्चन साहब हो या जो भी चर्चित चेहरे हैं, उनके द्वारा कही गई बात उसका एक अलग प्रभाव होता है। विष्णु शंकर जी का बहुत थैंक्स करना चाहूंगा सर, आपने हम लोगों को यूपी पुलिस के इस मुहिम में जोड़ा, हम एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं। अभिनेता, चर्चित अभिनेता अगर किसी कॉज के लिए काम करते हैं तो वो उसका एक दूसरा कार्य होता है, वो न केवल पैसे नहीं कमा रहा है बल्कि देश की उन्नति में भी अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम है जिसको मैं बहुत, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ विष्णु शंकर जी का और यूपी पुलिस का। हम लोगों के जहन में उतरे, जितनी भी नियमावली उसका पालन करें, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम एक सड़क छाप मजनू को भी, जो अपनी होने वाली बीवी या गर्लफ्रेंड को घुमा रहा है मोटरसाइकिल पर सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उसके जनमानस पर उतरने की हम क्षमता रखते हैं, क्योंकि अगर वो धाराशाही होगा तो ऊपर वाला भी वो दूध भी पूछेगा भाई तेरे को किसने कहा था तोड़ने के लिए। तो शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच एनटीवी एंड यूपी पुलिस हमको इस मुहिम में जोड़ने के लिए, धन्यवाद। आई रियली फील प्राइड एंड ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कैंपेन, बहुत अच्छा लग रहा है यूपी आके और यहाँ पे इतनी अच्छी मुहिम का हिस्सा बनके। मैं खुद भी यूपी से हूँ और जब ऐसा लगता है कि अपने लोग, अपने शहर, अपने अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि काम कर रहे हैं, सीरियल में काम कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हम अपने लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने देश के लिए, अपने अपने राज्य के लिए कुछ करते हैं तो एक लोग भी अगर सुधर जाए हमारी इन सब कोशिशों से तो ऐसा लगेगा हम सफल हो गए, ऐसा लगेगा कि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं आज वो कहीं ना कहीं काम आ रही है। अगर हम, जैसा कि हमारे रोहिताश जी ने कहा कि कला के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से लोग बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं हम लोगों से, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम हमेशा आप लोगों को हंसाते रहे, लेकिन साथ साथ एक छोटा छोटा कोई भी ऐसे कदम बढ़ाए, ऐसे इनिशिएटिव लें जिससे लोगों के अंदर सुधार आए। और ऑफकोर्स सारे आप लोगों को नियम पता ही होंगे, लेकिन और जितने भी सीट बेल्ट लगाने के, हेलमेट पहनने के और फोन पे बात नहीं करने आए, कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता रहती है लेकिन वो नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो आई रियली विश कि हम लोग की जरा सी जो हम लोगों ने कोशिश की, इनिशिएटिव लिया है और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर जो ये कैंपेन चला रहे हैं इसके जरिए लोगों के अंदर सुधार आए और लोग सुधरे और जो भी डेथ रेट है या जो भी एक्सीडेंट रेट है वो कम आए, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।